हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गूगल एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सारी दुनिया के लोग जानते हैं। सन 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह आज हमारे डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन गया है। हम हर रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पर और अंत तक पूरा देखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। गूगल की शुरुआत सन 1996 में हुई थी, यानी कि अब गूगल लगभग 24 वर्ष का हो गया है। लेकिन गूगल की स्थापना 1998 में की गई और गूगल अपना जन्मदिन हर साल 27 सितंबर को मनाता है। पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सर्च इंजन गूगल को लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने बनाया था। दोस्तों, गूगल के आने से पहले याहू सर्च इंजन का उपयोग होता था। गूगल के आने के कुछ समय पश्चात ही गूगल ने भारी लोकप्रियता हासिल कर ली और वो याहू को पीछे छोड़कर नंबर एक पर आ गया। गूगल असल में गूगल की गलत स्पेलिंग है। गूगल एक बहुत बड़ी संख्या जिसमें 100 शून्य लगते हैं। गूगल का नाम डोमेन किसी ने पहले ही बुक कर लिया था, इसीलिए डोमेन रजिस्टर करते समय गूगल नाम देना पड़ा। दोस्तों, अगर आप गूगल पे आई एम फीलिंग लक्की टाइप करके सर्च करेंगे तो आप गूगल के अब तक के सारे लोगों को देख सकेंगे। क्या आप जानते हैं गूगल ने अप्रैल 2004 में अपनी ईमेल सर्विस जिसको जीमेल कहा जाता है उसकी शुरुआत की थी और तेज़ी से ईमेल भेजने की वजह से यह सर्विस कुछ ही समय में बहुत पॉपुलर हो गई। गूगल ने एंड्रॉयड कंपनी को सन 2005 में ख़रीदा था। आज एंड्रॉयड फ़ोन की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि लगभग 80% स्मार्टफोन एंड्रॉयड सिस्टम ही यूज़ करते हैं, मतलब हर 10 फ़ोन में से 9 फ़ोन एंड्रॉयड के होते हैं। क्या आप जानते हैं 2005 में ही गूगल ने गूगल मैप और गूगल अर्थ ऐप की शुरुआत की थी। अगर आप गूगल में SQ सर्च करते हैं तो गूगल स्क्रीन थोड़ा सा दाईं ओर झुक जाता है। आप इसे अपने मोबाइल या PC पर ट्राई कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका स्क्रीन दाईं ओर झुका या नहीं। क्या आप जानते हैं गूगल ने अपनी पहली ट्वीट कंप्यूटर की भाषा बाइनरी में की थी जिसमें शून्य और एक का इस्तेमाल किया गया था। गूगल ने जो पहले ट्वीट किया था वह ट्वीट था IM01100110। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है आई एम फीलिंग लकी। गूगल एक सेकेंड में लगभग 1,30,000 रुपये कमाता है। अगर आपको कोई चीज़ सर्च करना हो तो लोग कहते हैं कि गूगल पर सर्च करो, ना कि इंटरनेट पर, मतलब अब गूगल इंटरनेट का पर्याय बन चुका है। क्या आप जानते हैं गूगल के हेड ऑफिस में 200 बकरियों को घास काटने के लिए रखा गया है। घास काटने के लिए गूगल घास काटने वाली मशीन नहीं रखता क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज़ से ऑफिस के लोगों को परेशानी होती है, इसीलिए गूगल ने बकरियों को रखा है और उन्हें सैलरी भी देता है। क्या आप जानते हैं हर हफ्ते 20,000 से भी ज़्यादा लोग गूगल में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र के मुख्य डेवलपर अब गूगल के लिए काम करते हैं। दोस्तों, google.com/mars यदि आप सर्च करेंगे तो गूगल आपको मंगल ग्रह के फ़ोटो को दिखाएगा। और जब आप गूगल में अतारी ब्रेकआउट सर्च करते हो तो आप एक गेम खेल सकते हो। आप चाहे तो इसे अपने मोबाइल या लैपटॉप PC में ट्राई कर सकते हो और मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।